एक और बहुत बेहतरीन सवाल. Determine the value of a comma b comma c for which the function this fx equal to का मतलब a ऐसे भी लिख सकते हैं. Determine the value of a b c for which the function this is continuous at x equal to 0. बाह बोलता भैया ऐसी वैल्यू बताओ ताकि x equal to 0 पर क्या हो जाए continuous. चलो बात करें भैया x equal to 0 पर continuity की. तो x equal to 0 पर continuity की बात करें सबसे लल्लू काम सबसे पहले करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 कितनी आ जाएगी c. कोई खास बात नहीं इसमें. उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना इजी काम है इजी. चलो ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस 0 और यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स. क्या करें कैसे ही वैल्यूएट करें दोनों को अलग अलग कर दो. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 तो यहां पर आ गया साइन ऑफ ए प्लस वन एक्स होल अपॉन एक्स और इधर बबुआ आ जाएगा साइन एक्स होल अपॉन एक्स. मैं क्या बोल रहा हूं जैसा जीरो साइन के अंदर वैसा जीरो साइन के नीचे होना चाहिए यही रटवाया गया है क्लास के अंदर. तो यहां पर ए प्लस वन से डिवाइड कर देंगे और यही कोनवा में छोटा सा लिख देंगे ए प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन जीरो अपॉन सेम जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी. फिर से साइन जीरो अपॉन सेम जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी. खुशखबरी 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 लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई ए प्लस टू. कितने निकल के आ गए ए प्लस टू. बस बस राइट हैंड लिमिट और निकालनी. चलो राइट हैंड लिमिट निकालें. आइए यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की. किस बात है राइट हैंड लिमिट बिल्कुल ध्यान देखें राइट हैंड लिमिट को हम लोग ध्यान देखिए राइट हैंड लिमिट को. तो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ओ कोई भयानक सा लग रहा है बी एक्स स्क्वायर होल रेज पावर हाफ माइनस एक्स रेज पावर हाफ होल अपॉन बी एक्स रेज पावर थ्री बाई टू. ऊपर से क्या करें एक्स कॉमन निकालें. जब आप ऊपर से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स की पावर हाफ बाहर आ जाएगा अंदर वन प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ होल अपॉन बी एक्स की पावर थ्री बाई टू. देखो ऊपर नीचे से एक्स की पावर हाफ कट रहा है तो यहां से एक्स की पावर हाफ हटा दें बहुत ज्यादा सुंदर और सुशील ये बन जाएगा वन प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस वन अपॉन बी एक्स. यहां पर ऐसा लग रहा है भैया लगा सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो लगा दीजिए किसका इंतजार है. आइए बात करें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की. तो ये बन जाएगा वन प्लस बी एक्स बाई टू माइनस वन होल अपॉन बी एक्स. तो वन से वन कट गया बी एक्स बैठ गया सब कुछ कट गया और ये आ गया हाफ. इजी है इजी. अब अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. भाई कितनी आई लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस टू. कितनी आई वैल्यू ऑफ फंक्शन सी. कितनी आई राइट हैंड लिमिट हाफ. तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअस हो तो ए की वैल्यू तो माइनस थ्री बाई टू हो जाए सी की वैल्यू हाफ हो जाए. अब जो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो बी पर डिपेंड ही नहीं करती. अब नहीं करती तो मैं क्या करूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी कुछ भी सिवाय जीरो के. बहुत सारे बच्चे आंसर में जीरो लिखना भूल जाते हैं. देखो बी डिनोमिनेटर में है तो फंक्शन की डोमेन में वैसे भी बी की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती. फंक्शन की कंटिन्यूटी बी पर डिपेंड नहीं करती लेकिन बी फंक्शन की डोमेन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए. के बाद समझ में आई थी बच्चों को कॉपी कर लो.